मध्य प्रदेश में तेज आवाज में लाउड स्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश के बाद अब पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। ग्वालियर जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ ही धर्मगुरुओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिशा निर्देशों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोलाहल अधिनियम एवं खुले में मांस की बिक्री को रोकने के लिए सरकार की मंशा जाहिर की गई। वही इसके लिए जल्द ही उड़न दस्ते भी गुरुवार शाम तक तैयार कर दिए जाएंगे, जो ध्वनि प्रदूषण एवं खुले में मांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें दो मेन बिंदुओं पे हमारी आज चर्चा हो गई, जो कल शासन के द्वारा निर्देश निकाले गए हैं। पहली बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये कोई नए निर्देश नहीं है जो जारी किए गए हैं, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स है गवर्नमेंट की, जिसके बारे में दोबारा से हमको याद दिलाया जा रहा है कि इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पहला जो है वो कोलाहल अधिनियम के संबंध में है, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल के संबंध में है। इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जो स्टैंडर्ड हैं नॉइस के, जो स्टैंडर्ड्स हैं डे में कितना डेसिबल होना चाहिए, नाइट में डेसिबल कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। और साथ में जो अवैध तरीके से जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसको कम करने के निर्देश हैं, जिसके लिए हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड उड़न दस्ता भी हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। आज ही उसका आदेश निकलेगा जो आप लोगों को हम दे देंगे, और उसमें रेवेन्यू के भी रहेंगे, पुलिस से भी रहेंगे, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी लोग इसमें रहेंगे और नगर प्रशासन के भी लोग उसमें रहेंगे। और इस प्रकार से हम लोग जो भी शिकायत आ रही है उसका हम लोग जाँच विधिवत करेंगे। और हम लोगों ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सक्षम स्तर से, यानी तहसीलदार के स्तर से लोग अनुमति ले सकते हैं। अनुमति सिर्फ इतनी की है कि दो मीडियम लाउड स्पीकर जो विद इन द साउंड रेंज हो उसकी अनुमति दे दी जाएगी, और यदि इसका उल्लंघन किया जाएगा तो आयोजकों के विरुद्ध जो भी शासन के निर्देशानुसार जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। जी शिकायतें भी लगातार जो है आती रही है, सुनवाई में बहुत सारे ऐसे मंदिर एक दर्जन से ज़्यादा है, तो इनको लेकर भी कार्रवाई होगी इनकी ज़मीन को मुक्त कराने के लिए। कुछ इस प्रकार के शिकायतें हमारे सामने आई हैं, और ज़रूर इसके बारे में अभी जो शिकायतें आई हैं वो हमने संबंधित SDMs को भी इसके बारे में हमने पत्र भी जारी कर लिया है कि इसमें जांच की जाए, विधिवत उसमें जांच हो जाएगी, और उसमें जो गलती जो भी हमको पाया जाएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी शासन के नए निर्देश जो आए हैं इसमें दो चीज़ों पर फोकस किया गया है। एक तो ध्वनि प्रदूषण पे, क्योंकि ये लगातार देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो जाता है कंपटीशन में, और उसके चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो जाती है और काफ़ी लोग परेशान हैं उसमें। तो इसमें नियम पहले से हैं, ध्वनि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है, उसका पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए, और इसमें बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उड़न दस्ता बनाए जाएँ, जिसमें थाना वाइज हम बनाएंगे ग्वालियर में, जिसमें थाना प्रभारी एक रहेंगे सदस्य, उसमें एक राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार रहेंगे, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारी भी साथ में रहेंगे। तो ये जो धार्मिक स्थान और सार्वजनिक स्थान है उनको चिन्हित करके वहाँ पर किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र है तो वो अनुमति लेके लगवाया जाए, और उसको ये देखेंगे कि चार तरह की क्लासिफिकेशन है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और साइलेंस। तो उसमें जो अलाउड लिमिट है ध्वनि की, उस ध्वनि की सीमा तक ही वो बजाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अभी सामान्य तौर पर उसमें लिखा है कि दो जो साउंड सिस्टम है वो उनकी अनुमति दी जा सकती है, इसका परीक्षण कर लिया जाएगा और उसको लगातार उस पर कार्रवाई उड़न दस्ता करेगा। अगर कोई शिकायत आती है तो उसमें ये प्रावधान है कि 3 दिन के अंदर उसकी पूरी जांच करके प्राधिकृत अधिकारी जो SDM रहेंगे और उसके ऊपर नोडल अधिकारी जिले के ADM रहेंगे, वो उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो ये एक ध्वनि के लिए है कि कोई इस तरह की न्यूसेंस ना हो, और सभी के लिए है, ये सभी धर्म वालों के लिए भी है और सभी धार्मिक स्थलों के लिए और सार्वजनिक स्थलों के लिए है। कोई इंडोर में कुछ कार्यक्रम करना चाहता है जैसे बाहर ध्वनि नहीं आ रही तो उसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहर अगर आम जनता उससे परेशान होती है और ध्वनि प्रदूषण की उसमें आता है तो उस पर कार्रवाई की जानी है। दूसरे पे है कि खुले में पशु मांस और मछली का विक्रय का प्रावधान जो है वो नहीं है, होना चाहिए। तो खुले में अगर बेचता है तो वो उसमें उसके पास में या तो पारदर्शी कांच वगैरह होना चाहिए, जो विक्रय होगा उसका जो पशु का काटना होगा वो बिल्कुल अंदर होना चाहिए, वो कहीं दृश्य नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे कचड़े का निष्पादन करने की और साफ़ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, और इसके लिए भी उनके पास अनुगति होना चाहिए।
हाँ, इन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी कल की तारीख से इसमें अभियान चालू किया जाएगा। जो दुकानें अधिकृत हैं उन्हीं पर ये चीज़ें हो पाएंगी, और जहाँ पे दुकानें हैं या अनुमति दी जाती है उनमें जो नियम है उनका पालन कराया जाएगा, ताकि लोग स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ों को हमने बात की है, हमारे धर्मगुरुओं से भी बात करी है, और जो इससे संबंधित स्टेक होल्डर हैं जैसे मैरिज गार्डन वाले, डीजे वाले, इन सब से भी आज थाना स्तर पे सभी थाना प्रभारी भी बात करेंगे और संबंधित राजस्व अधिकारी भी बात करेंगे, और हम सुनिश्चित करेंगे कि इन सारी चीज़ों का पालन ग्वालियर ज़िले में अच्छे से हो।